आई साहिबा, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। शोभा, आप तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये लीजिए, माहुली के किले के खजाने की चाबियां। माहुली का किला? राजे, क्यों पुराना जख्म हरा करते हो? हाँ साहिबा, वो दिन हमें आज भी दिखाई पड़ता है। आपके आबा साहेब माहुली का किला उतर कर नीचे गए पैदल, सर पर पगड़ी नहीं, कमर में तलवार नहीं, साथ में नन्हे मुर्तजा शाह। माहुली छीन गई, बिना शर्त समर्पण करना पड़ा था। उस दिन इच्छा हुई थी कि किले से फलांग कर हम अपनी जान दे दें। आई साहिबा, अगर आज आपके पिता यहां होते। हमारा घुड़सवार बंगलोर के रास्ते पर है, हम माहुली का किला आबा साहेब को सौंपना चाहते हैं। नहीं राजे, उन्हें सुल्तानी ममानियत है। होगी, किला उन्हें हम पेश कर रहे हैं, सुल्तान से हमें क्या डर। बेड़ियों से बंधा हुआ इंसान उनसे दुलार करने लगता है, क्यों नहीं तलवार उठाकर बंगलोर से बाहर निकले। आई साहिबा, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। औरंगजेब शाही तख्त पर अपना हक जमाने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। भाई भाई के बीच महाभारत होगा दिखता है, हम किसकी मदद करेंगे राजे। ये मुगलों का आपसी मामला है, वो निपटते रहे, हम तो मौके का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। इस वक्त जितना इलाका, जितने किले छीनते बने छीनेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से कौन है जो इस जिम्मेदारी को उठाने की पहल करेगा। एक मामूली वतनदार हमारी सल्तनत को चुनौती दे रहा है और हमारे बहादुर जमीन ताक रहे हैं। गुस्ताखे माफ बड़ी साहिबा, शिवाजी इस वक्त मामूली वतनदार नहीं है, उसके हाथ में इस वक्त 40 किले, कई सौ घुड़सवार और 50,000 पैदल सिपाहियों की फौज है। हमारी फौज से निकाली गई पठान टुकड़ियां भी अब उससे जा मिली हैं। उसका सारा इलाका पहाड़ियों जंगलों से घिरा है, जहां से वो छिपकर छापे मारता है। शिवाजी से सामने लड़ना मुमकिन नहीं, वो सामने आता ही कहां है। यानी आप सब लोग उससे इतने खौफजदा हैं कि मुकाबले के नाम से किक्की बंद हो जाती है, फिर हमें ही उसका बंदोबस्त करना होगा। इस बंदे के रहते बड़ी साहिबा को जहमत उठाने की जरूरत नहीं। जीते रहो अफजल खान, हमें तुम पर नाज है। मैं हुजूर के सामने हलफ उठाता हूं कि शिवाजी मराठे को मैं उसके टट्टू के उठा लाऊंगा और मुझे घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा। अफजल खान आपको पकड़ने आ रहा है, अब आने दो। राजे, अफजल खान को आपसे खानदानी बैर है, उसी ने आपके पिता को बेड़ियां पहनाकर जिंजी से बीजापुर तक घुमाया था। उसी ने कनकगिरी की लड़ाई में आपके बड़े भाई संभाजी राजे को धोखे में रखकर उनकी जान ले ली थी। पर अब अगर खान मराठा रियासत में घुस आया तो हम उसे वापस नहीं जाने देंगे, इसीलिए हमने जावली जाने का फैसला किया है। आप और शंभू राजे यहीं रहेंगे। बारिश सर पर है और जावली जंगल। खान हमें ढूंढता हुआ जावली के जंगल में घुसेगा, घुसेगा और फंसेगा। हमें जिसका डर था वही बात हुई। जावली के जंगलों में लड़ना आसान काम नहीं है। हम इस इलाके के पहले भी सूबेदार रह चुके हैं। कालोजी जेदे कहां मर गए? वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है। हुजूर, वो तो शिवाजी से मिल गया है अपने पांचों बेटों के साथ। खबर है उसने अपनी जागीर पर पानी बहा दिया है। इतना ही नहीं, बाकी देशमुख भी तोड़ रहा है। इस वक्त हमें प्यादों की नहीं बादशाह की फिक्र है, उसके हारते वो खुद ब खुद पनाह मांगने आ जाएंगे। सिद्धि लाल, ये फल्टन का जागीरदार शिवाजी का साला है ना? जी हुजूर। तो उस पर हमला बोलो और उसे गिरफ्तार कर लो। अब हमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा और उनके कुछ मंदिर भी तोड़ने होंगे, वहां का बड़ा खजाना हमारे काम आएगा। लेकिन हुजूर, पूना की तरफ कूच कब करेंगे? पूना जाना ठीक नहीं होगा। कैसा होगा सिद्धि लाल की हम वाई पहुंचकर शिवाजी को मिलने की दावत दें और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? ठीक है,
लेकिन इस काम के लिए एक मोतबिर एलची भेजना होगा, ऐसा आदमी जिस पर शिवाजी को यकीन आ जाए। राजे, खाने आजम अफजल खान साहब के वकील कृष्णा जी शास्त्री। स्वागत है कृष्णा जी शास्त्री। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा वेद शास्त्री विद्वान इस मंदिर में विराज रहा है। आप तो जानते होंगे इसे रामदास स्वामी ने बनवाया था। कहिए वहीं से यहां तक की यात्रा कैसी रही? रास्ता टेढ़ा है और खतरनाक भी। डरने की कोई बात नहीं, खतरा जंगली जानवरों का है। हमारी खुशकिस्मती है कि खाने आजम ने हमें याद फरमाया। खाने आजम, आप तो अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। शुभकामनाएं तो पंढरपुर और तुलजापुर से मिल चुकी हैं। खाने आजम अगर हमसे खफा हैं तो ये गुस्सा मंदिरों और गरीब रियाया पर क्यों उतारते हैं? इसे नादान अधिकारियों की गलती समझिए राजे, खाने आजम को भी इसका सख्त मलाल है। कहिए खाने आजम का हमारे लिए क्या हुक्म है? वो आपसे दोस्ती चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपका इरादा क्या है। ये तो खाने आजम के इरादों पर निर्भर है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम तो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन खाने आजम की मंसूबों की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? कहीं वो हमसे दगाबाजी कर बैठे तो? दगाबाजी की गुंजाइश ही नहीं राजे, आप तसल्ली रखें। शास्त्री, आप माता भवानी के दरबार में बैठे हैं, क्या आप माता के सामने सौगंध खाकर कह सकते हैं कि अफजल खां की नियत में कोई खोट नहीं? बोलो शास्त्री, यकायक चुप क्यों हो गए? चाकर भले हूं तुर्कों का, मगर पैदा हुआ हूं ब्राह्मण परिवार में, भवानी माता के सामने झूठ नहीं बोल सकता। तो बताइए, हम अफजल खां से भेंट करें या नहीं? भेंट से तो आप बच नहीं सकते, मगर मैंने जो विजापुर में अफवाहें सुनी थी उनसे लगता है कि आपके साथ विश्वासघात होगा। और मत कहलवाइए, मैं अपने आका का नमकखवार हूं और देवी के आगे झूठ भी तो नहीं बोल सकता। एक बेचारे ब्राह्मण की परीक्षा मत लीजिए राजे। हम आपकी परेशानी समझते हैं कृष्णा शास्त्री, हमारी तरफ से खाने आजम से एक गुजारिश कीजिए। याद रहे, मंदिर में झूठ बोलने से हम भी डरते हैं। सच तो यह है कि हम खान और उनकी फौजों से खौफजदा हैं, इसलिए उनके पड़ाव में जाने से हम कतराते हैं। आप उन्हें हमसे यहां पार में मुलाकात करने पर राजी कीजिए। साथ में सिर्फ चार आदमी लेकर आएंगे और हम भी ऐसा ही करेंगे। हुजूर, तयशुदा शर्तों के मुताबिक तो सिर्फ दो ही खिदमतगार जा सकते हैं। इतने सारे सिपाहियों को देखकर राजे डर जाएंगे। अगर वो वापस लौट गए तो फिर मुलाकात कैसे हो पाएगी? दुरुस्त है कृष्णा जी पंडित, यह गलती कैसे हुई? हमारे साथ सिर्फ एक ही हशम जाएगा, दाओ तो एक सिपाही साथ ले लेना। जो हुजूर, आप लोग वापस जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। राजे खां चल पड़ा है। हम भी तैयार हैं। आपके साथ कौन जाएगा? संभाजी भावजी और जीवा महाला साथ चलेंगे। सिद्धि इब्राहिम 10-12 लोगों के साथ कुछ दूरी पर रहेंगे। राजे, क्या आप ही को जाना पड़ेगा? मेरा मतलब है और नहीं, कोई? हमें ही जाना होगा। पता नहीं अफजल खां की मंशा क्या है। तोप का इशारा मिलते ही तुम आक्रमण शुरू करना। मेरे आदमी सब तैयार है राजे। ये साजी, अगर हम लौट कर नहीं आते। राजे अशुभ मत बोलिए। अगर हम लौट कर नहीं आते तो हमारे अष्ट प्रधान बाल राजे को गद्दी पर बिठाकर मां साहिबा की सलाह से हमारा काम आगे बढ़ाना। इब्राहिम जी, ये खान के पीछे कौन है?
सैयद बंडा है हुजूर, ये जबरदस्त बड़ेबाज है। जी वाह। जी राजे। इसको देख लो, इस पर से नजर मत हटाना। जी राजे। खाने आजम अफजल खां, जंग बहादुर सिपह सालार, महाराज शिवाजी भोसले। तो तुम ही हो फर्जंदे सल्तनत आदिल शाही, शाहजी के बेटे शिवाजी। महीन हो मगर जहीन दिखते हो। जनाब की इनायत है। तब तो तुम हमारे पुराने दोस्त और साथी के फर्जंद हो। आओ बेटे, दूर क्यों खड़े हो, हमसे गले मिलो।